और आज कांग्रेस दिल्ली समेत देश भर में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर खास तैयारी जारी है। देश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया है और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आज सुबह 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो दिल्ली समेत देश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। तो ये दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है। हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थोक बजा के घेराव करेंगे, चाहे ये कितने भी बैरिकेडिंग कर ले, चाहे कुछ कर ले। आम जनता जो त्रस्त है, मोदी जी मस्त है, कल हिला के रखेंगे हम लोग, ऐसा है उनको नारा दे रहे हैं। जब 400 का सिलेंडर था पिछली मनमोहन सिंह जी की, हमारे उनकी सरकार थी, तब तो समृति जी रोज गले में प्याज डाल के बैठ जाती थी सिलेंडर, अब कहाँ है। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये विनाशकाल है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो अब तक सदन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान की वजह बना था, वो मुद्दा अब सड़कों पर आ रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करने वाली है। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन की तैयारियां तेज हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसे लेकर खास तैयारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से मार्च निकालेंगे। इसके लिए दो टीमें तैयार की गई हैं। एक टीम का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और दूसरी टीम का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। टीम का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, वो पार्टी मुख्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेगी, जबकि प्रियंका गांधी की टीम प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेगी। पार्टी मुख्यालय पर इस प्रदर्शन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। गुरुवार दोपहर से ही देश के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर जुटने लगे। पार्टी ने दफ्तर में कार्यकर्ताओं के लिए पूरा इंतजाम किया है। रात में कार्यकर्ताओं के रहने और सोने के लिए बकायदा टेंट लगाया गया है। जो हल्ला बोल है कांग्रेस पार्टी का, उसको जोरदार तरीके से किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ अगर आप चल के दिखाएंगे कि जो महिला कांग्रेस है उसने अलग से तैयारी की, जिसमें सैकड़ों महिलाएं अलग अलग जगह से आई हुई हैं। आइए चलते हैं, उस सेक्शन को भी दिखाते हैं आपको। देखिए, महिलाएं हर जगह से, दिल्ली से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हिमाचल से भी हैं, और सब जो है यहाँ आकर प्रोटेस्ट करके ये मैसेज दे रही हैं कि कल जो प्रोटेस्ट होगा वो लाजवाब होगा और कहीं डरने वाले नहीं है, चाहे मोदी सरकार कितना भी घेराबंदी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के इस मार्च में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। मॉनसून सत्र में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ना जाने कितनी ही बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी है। 18 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में बढ़ती कीमतों और जीएसटी का मुद्दा उठ रहा है। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये विनाशकाल है। महंगाई बेरोजगारी, दो हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृहमंत्री और जो गृहमंत्री जो का जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, ये बिल्कुल साफ है
कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, क्या उस प्रदर्शन के लिए पार्टी को पुलिस से इजाजत मिली है? जी न्यूज के साथ खास बातचीत में नई दिल्ली की डिप्टी पुलिस कमिश्नर अमृता गुगलोत ने बताया कि उनके पास कांग्रेस की जो चिट्ठी आई है उसमें सिर्फ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। क्या किसी तरह की परमिशन ली गई है इसके लिए और आप लोगों की तरफ से परमिशन दिया गया? हमें अब तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं सिर्फ इनपुट पे ही आधार पे हम चल रहे हैं। अदरवाइज इनपुट के अलावा एक चिट्ठी मिली है इंडियन यूथ कांग्रेस की ऑफिस से कि वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कंफर्मेशन या कोई ऑफिशियल लेटर हमारे ऑफिस में नहीं मिला है। यानी बिना इजाजत हो रहे इस प्रदर्शन में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की पूरी पूरी संभावना है। अब महंगाई और बेरोजगारी पर सदन के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने वाली कांग्रेस सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर कितनी ताकत दिखा पाती है देखना होगा। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया।